खजुराहो और छतरपुर के बीच एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल धनपुरा गांव में लगे क्रेशर प्लांट में जोरदार ब्लास्टिंग हुई, जिससे धनपुरा के पास रेलवे ट्रैक उखड़ गया, जिसके कारण इस पटरी से गुजरने वाली ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया। क्षतिग्रस्त पटरी को ठीक किया जा रहा है। वहीं रेल विभाग इस ब्लास्टिंग से रेलवे को नुकसान होने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। पटरी क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाईं। गनीमत ये रही कि ब्लास्टिंग के दौरान ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान झांसी रेलवे मंडल के DRM खजुराहो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे और उन्हें जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंच गए। क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिससे बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। झांसी रेल मंडल के PRO का कहना है कि जल्दी ही क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक किया जा रहा है और रेल विभाग इस ब्लास्टिंग से रेलवे को नुकसान होने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। वहीं इस ब्लास्टिंग से लखन पटेल के मकान पर 500 किलो के पत्थर गिरे, जिससे उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। मशीन गली क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। ये मशीन किसकी है? सब कुछ मिल गया, कुछ बचा ही नहीं है, क्या कुछ बचा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।